Good morning, everyone. Today, in this video of class 6th Chemistry, we will be studying chapter Fiber to Fabric. And in this video, we will be dealing with topics like choose the most appropriate answers, that is MCQs, and very short answer questions that are one word answers. So, let's start with the first question of MCQs Which of these is not a natural fiber? In my say, चीज़ natural fiber? A. Leather. बी जूट सी वुल और डी कॉटन, सो योर आंसर इज एदर लेदर आपका एक नेचुरल फ़ाइबर नहीं है जूट नेचुरल फाइबर है वुल आपका नेचुरल फाइबर है और कॉटन भी नेचुरल फाइबर है क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दीज फैब्रिक्स विल यू चूज़ टू वे इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इनमें से कौन सा फैब्रिक को आप हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में पहनना पसंद करोगे ए कॉटन, बी सिल्क सी नायलिन और डी वुल। योर आंसर इज ए कॉटन। विच फैब्रिक ए कॉटन। कॉटन को हम लोग हॉट ह्यूमिड कंडीशन में पहनना पसंद करेंगे क्लियर नेक्स्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट कॉटन क्लोथ्स वर फर्स्ट वोन इन हिस्टोरियंस क्या कहते थे कि कॉटन क्लॉथ सबसे पहले कहाँ पहना गया था ए इंडिया बी इजिप्ट सी चाइना और डी यूरोप आंसर इज बी इजिप्ट सबसे पहले कहाँ बी इजिप्ट क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड टुडे इनमें से कौन सा चीज कौन सा देश जो है वो वर्ल्ड का उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है ए जर्मनी बी ऑस्ट्रेलिया सी न्यूजीलैंड और डी यूएसए आंसर इज़ बी ऑस्ट्रेलिया आंसर बी ऑस्ट्रेलिया क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जूट इनमें से कौन सा चीज़ जूट का प्रॉपर्टी नहीं है ए बायोडिग्रेडेबिलिटी बी ड्यूरेबिलिटी सी स्मूथनेस और डी स्ट्रेंथ आंसर सी स्मूथनेस स्मूथनेस प्रॉपर्टी नहीं है जूट का जूट रफ होता है क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज नॉट अ फाइबर इनमें से कौन सा फाइबर नहीं है ए जूट बी नाइलन सी लेदर और डी वुल आंसर इज सी लेदर लेदर आपका एक फाइबर नहीं है और जूट नाइलन और वुल आपका फाइबर है सो आंसर इज सी लेदर क्लियर नेक्स्ट वीच ऑफ दिस डू यू थिंक ट्रैप्स द मोस्ट एयर इनमें से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा हवा को अपने अंदर ट्रैप करता है ए नाइलन बी काटन सी वल और डी पॉलिस्टर आंसर इज सी वल सबसे ज़्यादा एयर को ट्रैप कौन करता है वुल ठीक है योर आंसर इज वल नायलन कॉटन और पॉलिस्टर की कंपेरिजन में वल ज़्यादा एयर को अपने अंदर ट्रैप करता है क्लियर विच ऑफ़ दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नायलन इनमें से कौन सा चीज़ नायलन का प्रॉपर्टी नहीं है ए लाइट वेट बी स्ट्रॉन्ग सी एबजॉर्ब्स वाटर और डी रिंकल फ्री आंसर है आपका सी एब्जॉर्ब वाटर क्यों क्योंकि नायलन एक सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है ठीक है सिंथेटिक फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है लेट्स मूव टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नेम वन फाइवर इच दैट इज ए स्मूथ स्मूथ है आपका कॉटन बी साइनी इज सिल्क सी फ्लफी इज वुल एंड डी रिंकल फ्री इज पॉलिस्टर या नायलन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो क स्मूथ है कॉटन साइनी है सिल्क फ्लफी है विल और रिंकल फ्री है पॉलिस्टर या नायलन दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है पॉलिस्टर भी लिखोगे तो इट्स करेक्ट नाइलन भी लिखोगे तो इट्स करेक्ट क्या नेक्स्ट कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द डैश डैशल ऑफ साउथ इंडिया और द डैश डैशल ऑफ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कौन से सॉयल में ग्रो करता है ब्लैक सॉयल कौन सा ब्लैक सॉयल और नॉर्थ इंडिया में एल्यूवियल सॉयल ठीक है कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सॉयल ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया के ब्लैक सॉयल और एल्यूवियल सॉयल ऑफ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के एलियूवियल सॉयल में क्लियर नेक्स्ट टू ग्रो बेस्ट कॉटन रिक्वायर्स टेस्ट रेनफॉल सबसे अच्छा ग्रो करने के लिए कॉटन को कैसा रेनफॉल चाहिए मॉडरेट रेनफॉल कैसा मॉडरेट रेनफॉल टू ग्रो बेस्ट कॉटन रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल कैर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सिल्क का पालन पोषण करना सिल्क के लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर क्या बोलते हैं सेरीकल्चर किसको सेरीकल्चर बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्कव फॉर सिल्क इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेरीकल्चर ठीक है नेक्स्ट जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर्स ट्रू और फॉल्स जूट एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आंसर इज ट्रू जूट एक चीपेस्ट नैचुरल फाइबर है वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है जूट सो योर आंसर इज ट्रू नेक्स्ट जूट ग्रोज बेस्ट इन द एरियाज दैट गो दैट गेट डैश रेनफॉल हैवी मॉडरेट और लो तो जूट वहाँ ग्रो करता है उस एरिया में ग्रो करता है जहाँ पे आपका हेवी रेनफॉल होता है विच इज़ गॉट हैवी रेनफॉल कैसा रेनफॉल हैवी रेनफॉल क्लियर कहाँ पे वो एरिया में जहाँ हैवी रेनफॉल हो नेक्स्ट सोकिंग द जूट प्लांट्स इन वाटर इज कॉल्ड डैश जब हम लोग जूट के प्लांट को पानी में भिगोते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेटिंग क्या बोलते हैं रेटिंग सोकिंग ऑफ जूट प्लांट इन वॉटर इज कॉल्ड रेटिंग क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई फास्टर देन कॉटन और वोल ट्रू और फॉल्स आंसर इज ट्रू सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो आपके नेचुरल फाइबर से बहुत कम समय में ड्राई कर जाते हैं क्लियर सो दिस आंसर इज ट्रू नेक्स्ट फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मेल्टेड प्लास्टिक्स बाय पासिंग इट थ्रू फाइन होल्स इन अ डैश आंसर इज स्पिनरेट एस पी आई डबल एन ई आर ई टी ठीक है हम लोग प्लास्टिक्स वाले को किससे रोटेट मूव करते हैं स्पिनरेट के होल से क्लियर किसके होल से स्पिनरेट के होल से ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग थैंक यू